नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक देख रहे थे। आप लोग नहीं देखे हो तो प्ले स्टोर में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि इफ़ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, देन प्रूव दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, इसका क्या अप्रोच है। देखिए, यहाँ पे कॉस थीटा का कॉफिशेंट अभी क्या है, ए है। तो देखिए, इसका कॉफिशेंट क्या हुआ, चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए, कॉस थीटा कॉफिशेंट ए है अभी, इसमें जो प्रूफ करना है कॉस थीटा कॉफिशेंट क्या हो गया, बी हो गया। अब साइन थीटा कॉफिशेंट यहाँ पे क्या है, बी है। तो यहाँ पे देखिए, साइन थीटा कॉफिशेंट क्या हो गया, ए हो गया। तो इसका कॉफिशेंट क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। जो कॉस का कॉफिशेंट है वो साइन का हो गया, और जो साइन का कॉफिशेंट है वो क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा। तो जब कभी हम लोग को इंटरचेंजिंग कॉफिशेंट दिया रहेगा और हम लोग को प्रूफ करना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लिखेंगे लेट ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू, ये हम लोग को दिया गया, सी दिया गया है, ये तो हम लोग को इक्वेशन दिया गया। इसको हम लोग क्या कर, पहले इक्वेशन वन लेट कर लेंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे जिसको हम लोग को प्रूफ करना है। लेट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन टू हम लोग इसको लेट कर लिए। देखिए दोस्तों, कैसे पता चलेगा इस पे है। देखिए, कॉफिशेंट क्या रहेगा, इंटरचेंज रहेगा। कॉस थीटा कॉफिशेंट अभी ए है ना, तो ए जो है सो आ जाएगा साइन में आ जाएगा। देखिए, ए साइन में आ गया है। अब यहाँ साइन का कॉफिशेंट क्या है, बी है, तो आ जाएगा साइन का कॉफिशेंट आप ये बी है, तो आ जाएगा कॉस में आ जाएगा। ओके, तो इंटरचेंज हो रहा है कॉफिशेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन वन एंड टू वी गेट। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वेशन वन का एलएचएस पहले लिखिए, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, स्क्वायरिंग कर दिए पहला का एलएचएस का, फिर अब आरएचएस का सेकंड का एलएचएस का स्क्वायरिंग कीजिए। एलएचएस का ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए, एलएचएस को इक्वेशन वन का एलएचएस का स्क्वायर किए, फिर इक्वेशन टू का एलएचएस का स्क्वायर किए, दोनों को ऐड कर दिए, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग हो गया इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन का आर एच एस क्या है, सी है, तो ये हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस सेकेंड इक्वेशन का आर एच एस क्या एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ओके, अब आगे यहाँ पे सॉल्व कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस टू ए बी करेंगे तो ये हो जाएगा टू ए कॉस थीटा इंटू बी यानी कि बी साइन थीटा प्लस, अब ये है ए प्लस बी कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, तो टू इंटू ए साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। ओके, इक्वल टू हो जाएगा सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सीधा से लिखिए। यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये हो जाएगा टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, ये टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में है और यहाँ पे ये प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि ए स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग क्या करें एक साथ लिख लेते हैं और बी स्क्वायर वाले टर्म को क्या करेंगे एक साथ लिख लेंगे। तो देखिए इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब ये हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू वन प्लस बी स्क्वायर इंटू वन इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटीज कौन सा यूज कर रहे हैं तो आप लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना था एक्स का क्योंकि लेट हम लोग किसको किए थे देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या लेट किए थे इसी का वैल्यू निकालना था इसको हम लोग क्या लेट किए थे एक्स लेट किए थे तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू निकालना है एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं इस सी स्क्वायर को इधर ले आइए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर या इसको सीधा करके लिख दीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालें ए स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो पहले क्या आएगा प्लस माइनस आएगा फिर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब एक्स किसको लेट किए थे एक्स हम लोग लेट किए थे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर यहाँ प्लस माइनस रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये दोस्तों इसका ये प्रूव्ड हो गया और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका प्रोसेस समझ में आ गया कि कैसे इसको हम डील किए हैं। सिर्फ देखना है कि जब कोफिशियंट इंटरचेंजिंग रहेगा तो हम लोग इसको इस तरह से करेंगे सॉल्व। कोफिशियंट इंटरचेंजिंग का मतलब क्या हो गया जो पहला कोफिशियंट होगा वो दूसरा का हो जाएगा जो दूसरा का कोफिशियंट रहेगा वो पहला का हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग ये दिया गया है इफ़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर टू कॉस थीटा देन सो दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर टू साइन थीटा। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है और इसी का अपोजिट साइन का हम लोग को वैल्यू करा निकालने के लिए इसका प्रोसेस देखिए हम लोग कैसे करेंगे। देखेंगे पहले गिवन लिखेंगे गिवन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर टू कॉस थीटा ओके। अब इसका प्रोसेस देखिए क्या करेंगे हम लोग इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट देखिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओके। आगे देखिए अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी टू इंटू ए कितना है कॉस थीटा इंटू बी कितना है साइन थीटा इक्वल टू यहाँ से इसका स्क्वायर करें तो रूट टू का स्क्वायर तो हो जाएगा टू और कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए तो हो जाएगा हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा
ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि इस दोनों टर्म को हम लोग क्या करते हैं इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 cos² थीटा, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -cos² थीटा और ये हो जाएगा -sin² थीटा। ऐसा इसलिए ले गए हैं ताकि यहाँ पे कुछ इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे 2 cos² थीटा है, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा और इसको हम इधर करेंगे ताकि सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, देखिए 2 cos² थीटा में से cos² थीटा आ जाएगा तो cos² थीटा हो जाएगा और ये -sin² थीटा, तो cos² थीटा -sin² थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि a² - b² के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, आइए इसमें प्रोसीड करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, इसको लिखेंगे cos² थीटा -sin² थीटा। ओके, आगे देखिए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos² थीटा -sin² थीटा इक्वल टू, ऐसे तो सीधा करके लिख लीजिए यहाँ पे cos² थीटा -sin² थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो गया a² - b² का फॉर्म, सो क्या ले सकते हैं a + b × a - b। ए है हम लोग कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कितना है साइन थीटा इंटू ए माइनस बी कॉस थीटा -sin θ इक्वल टू ये जगह 2 sin θ इंटू कॉस थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं, लगाए हैं फॉर्मूला a² - b² इक्वल टू a + b × a - b। फॉर्मूला जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मार्क्स अच्छा आएंगे। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए cos θ + sin θ, देखिए cos θ + sin θ का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे देखिए इसको इक्वेशन हम लोग 1 लेट कर लेते हैं, तो cos θ + sin θ का वैल्यू क्या दिया, √2 cos θ यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा √√2 cos θ इंटू ये हो जाएगा हम लोगों को cos θ - sin θ इक्वल टू √2 sin θ इंटू कॉस थीटा। ओके, बगल में यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन वन, हम लोग इक्वेशन वन यूज किए हैं। अब देखिए इसका वैल्यू हमें निकालना था cos θ - sin θ का, तो ये cos θ - sin θ इक्वल टू, देखिए ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा इसमें चला डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2 sin θ इंटू कॉस थीटा बाई में ये हो जाएगा √√2 cos θ। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये cos θ से cos θ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये √2 से √2 भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा cos θ - sin θ इक्वल टू, इस 2 को लिखेंगे √2 × √2 और इंटू यहाँ पे sin θ बाई में √√2, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आ गया हम लोगों को cos θ - sin θ इक्वल टू √√2 sin θ। तो यही दोस्तों हम लोगों को प्रूफ करना था, cos θ - sin θ का वैल्यू कितना हो जाए √√2 sin θ। देखिए यहाँ पे ये हम लोगों को प्रूफ करना था। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा जरूर दोस्तों। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया कि इफ़ cosec θ - sin θ इक्वल टू m दिया गया है एंड sec θ - cos θ इक्वल टू n दिया गया है, देन प्रूव दैट m² n² 2/3 -mn² 2/3 इक्वल टू 1। ये दोस्तों प्लस का साइन है बीच में, थोड़ा सही कर लीजिएगा प्लस। ओके, तो देखिए इसमें करना क्या है दोस्तों, देखिए m का वैल्यू हम लोग को ये दिया गया है, तो एम स्क्वायर को n से मल्टीप्लाई करना है, उसका पावर कितना है 2/3 प्लस m इंटू एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे उसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे गिवन लिखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए cosec θ - sin θ इक्वल टू m दिया गया है। ओके, तो दोस्तों देखिए क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बताइए, ये cosec θ है, साइन थीटा है, जरूर सॉल्व कर सकते हैं। ये cosec θ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin θ लिख सकते हैं -sin θ इक्वल टू m।
अब क्या करेंगे इसका हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। देखिए साइन थीटा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू किसका है, एम का है। कैसे यहाँ पे इस कैल्सियम लिए हैं, साइन थीटा का टेबल में साइन थीटा वन बार में, तो वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन वन के टेबल में साइन थीटा बार में, इसको वन से मल्टी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए, भैया कॉस स्क्वायर थीटा अब बाई में यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को वैल्यू किसका निकालना, एम स्क्वायर का निकालना। तो लिखेंगे देयरफॉर एम का वैल्यू यदि मान लीजिए ये है, तो एम स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई में साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आगे देखिए तो एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा कॉस का पावर फोर थीटा अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये किसका वैल्यू आ गया, एम स्क्वायर का, और एम का वैल्यू क्या है, ये है, इस दोनों का वैल्यू यूज होगा इसमें। देखिए क्योंकि देखिए एम स्क्वायर एन है और यहाँ पे एम एन स्क्वायर, एम का वैल्यू जब आएगा तो ये वाला यूज करेंगे, एम स्क्वायर का वैल्यू आएगा तो ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, अब सेम सेकेंड कंडीशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए एन इक्वल टू हम लोग को दिया गया सेकेंड से सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया, एन दिया गया, तो सेक थीटा का हम लोग क्या ले सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एन हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जब लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा और ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एन हो जाएगा। आगे देखिए तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, अपॉन में ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया एन, ये एन का वैल्यू हो गया, एन स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, लेकिन देयरफॉर एन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये फाइनली क्या हो गया, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा साइन का पावर फोर थीटा, क्योंकि पावर से पावर क्या था मल्टीप्लाई, तो टू टू जब फोर हो गया अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, तो एन स्क्वायर का वैल्यू हो गया फाइनली साइन टू द पावर फोर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया एन स्क्वायर का वैल्यू। अब लिखेंगे नाउ लिखेंगे एल एच एस लिखेंगे, लिखेंगे नाउ एल एच एस। देखिए एल एच एस हम लोग लिखेंगे, हम लोगों का वैल्यू किसका निकालना था, देखिए हम लोग इसको शो करना है कि एम स्क्वायर एन होल टू द पावर टू अपॉन थ्री प्लस एम एन स्क्वायर होल टू द पावर टू अपॉन थ्री इक्वल टू वन लाना है। ठीक है, तो हम लोग एल एच एस आए हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करें, एम स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे। देखिए एम स्क्वायर का वैल्यू कितना, देखिए यहाँ पे एम स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो कॉस टू द पावर फोर थीटा, यहाँ पर लिखेंगे कॉस टू द पावर फोर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में है, एम स्क्वायर एन है तो एम स्क्वायर इंटू एन हो गया। एन का वैल्यू कितना, देखिए एन का वैल्यू है यहाँ पे हम लोगों को ये वाला, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा, और होल टू द पावर कितना, टू अपॉन थ्री हो जाएगा प्लस। फिर देखिए यहाँ पे एम, एम का वैल्यू कितना है, देखिए एम का वैल्यू हम लोग ये है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, तो इसको लिखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बाई में साइन थीटा इंटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का देखिए वैल्यू यहाँ पे ये है साइन टू द पावर फोर थीटा बाई में कॉस स्क्वायर थीटा, होल टू द पावर कितना, टू अपॉन थ्री। इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर आना चाहिए, वन आंसर आना चाहिए। देखिए देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस का पावर फोर थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, थ्री बच जाएगा, हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, इसका पावर कितना, टू अपॉन थ्री प्लस। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो पावर कितना बचेगा, थ्री बचेगा, ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा का पावर कितना, टू अपॉन थ्री। अब देखिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं जैसे कॉस क्यूब थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा का क्यू, ये पावर से पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू अपॉन थ्री प्लस। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का पावर क्यूब, साइन थीटा का पावर कितना, थ्री इंटू ये टू बाई थ्री। वैसे भी समझिए पावर से पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, थ्री इंटू टू बाई थ्री कितना होगा, थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा का पावर थ्री, ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, देखिए
ये हो जाएगा हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, इसको कैसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका रिजल्ट कितना होता है, 1 होता है। तो ये दोस्तों लोगों को प्रूफ करना था। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।